हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ अपने अल्ट्राज़ XT का एक वॉक अराउंड वीडियो। क्यों, क्या क्या फीचर्स हैं जो इस मॉडल को सबसे ज़्यादा आकर्षक बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये चाबी मिलती है इसकी, जिसमें लॉक, अनलॉक, लाइट और बूट का इसमें ऑप्शन मिल जाता है। इसमें 345 लीटर का बूट स्पेस आता है, दिखा देते हैं आपको। इसके साथ में इसमें आपको बूट लाइट मिल जाती है, ये बूट लाइट मिल जाती है, और 14 इंच आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है। ये देख सकते हैं, 14 इंच का स्पेयर व्हील मिल जाता है, जिसका सेक्शन है 165/80 R14। और बाकी देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और यहाँ पे पीछे टाटा का लोगो मिल जाता है, अल्ट्राज़ की बैजिंग मिल जाती है, बीच में कैमरा मिल जाता है विद अडेप्टिव गाइडलाइंस, दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, एक और ये दो, इधर रिवर्स करने पे लाइट मिलती है लेकिन इधर नहीं मिलती है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिलता है आपको। और बाकी ऊपर इसमें स्पॉयलर मिलता है, बीच में ब्रेक लाइट मिल जाती है। और साइड की बात करते हैं तो साइड का डिज़ाइन कुछ ऐसा दिखता है आपको। इसमें 16 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं व्हील कवर के साथ में, जिनका सेक्शन है 195/55 R16 के इसमें टायर मिलते हैं, और यहाँ पे ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिश पियानो ब्लैक स्ट्रिप मिल जाती है, ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है आपको, ऊपर एंटीना मिल जाता है, ORVMs मिल जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs आते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर केवल ड्राइवर साइड मिलता है, को ड्राइवर साइड नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको भी मिल जाती है जो कि चाबी में ही है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अंदर अंदर चल के। इंडिकेटर ORVM में नहीं मिलता है आपको, बॉडी पे मिलता है। और जैसा कि ये देख सकते हैं, साइड लुक इसका प्यारी लगती है गाड़ी, एरोडायनामिक डिज़ाइन है। और बाकी फ्रंट से देखते हैं तो फ्रंट से कुछ ऐसा लिया है, यहाँ बीच में टाटा का लोगो मिल जाता है, नीचे क्रोम लाइनिंग मिल जाती है जो कि लेफ्ट लाइट को राइट लाइट से जोड़ने का काम करती है डिज़ाइन में, ऊपर ब्लैक फिनिश मिल जाती है जो उसका भी यही काम है, हेडलाइट का थ्रो रात में बहुत अच्छा है, और इसकी हेडलाइट बहुत बड़ी मिलती है। यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाते हैं, हैलोजन लाइट मिलती है, इसमें कोई प्रोजेक्टर लाइट नहीं आती है, नीचे फॉग लैंप मिल जाते हैं विद LED DRLs। जैसे इसका ये फीचर है, देखिए ये जो अगर हम इसका स्विच ऑन करेंगे तो ये लाइट जल जाती है, और जो अगर हम स्विच ऑफ करेंगे तो ये लाइट बंद हो जाएगी। और इसमें 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से ठीक है, डिसेंट है, कोई शिकायत नहीं है उसमें। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको दिखाते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें और फीचर्स मिल जाते हैं। ये रिक्वेस्ट सेंसर दबाया, अनलॉक होगी गाड़ी, अब गाड़ी के अंदर हम चलते हैं। तो अब हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टीयरिंग में कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, AC वेंट्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं, यहाँ पे म्यूट और वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाता है,
होम ऑप्शन मिल जाता है, फेवरेट का ऑप्शन मिल जाता है, प्रीवियस सॉन्ग, नेक्स्ट सॉन्ग और यहाँ पे बैक का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसमें आपको स्पीकर्स का सेटअप मिल जाता है JBL के, जो कि क्या है, चार स्पीकर्स हैं, चारों डोर्स में स्पीकर्स मिल जाते हैं और दो ट्वीटर्स मिल जाते हैं, एक वहाँ पे मिल जाता है, एक यहाँ पे मिल जाता है। ये यहाँ पे आपको वेंटी मिरर नहीं मिलता है, हालांकि इसमें आपको वेंटी मिरर मिल जाता है। दो एयरबैग मिल जाते हैं। स्टीयरिंग के कंट्रोल्स में वॉल्यूम अप एंड डाउन, अप डाउन। वॉइस कमांड्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, म्यूट का ऑप्शन मिल जाता है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। स्टीयरिंग के पीछे देखते हैं तो स्टीयरिंग के पीछे हम लोग क्या दिखता है कि वाइपर के लेफ्ट साइड में वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, राइट साइड में हम लोगों को लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसमें हमें पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, ठीक है, और ऑल पावर विंडोज़ मिल जाती हैं। सबसे बढ़िया चीज़ इसमें यह है XT मॉडल में कि ऑल पावर विंडोज़ मिल जाती हैं, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है यहाँ पे, जो कि पहले XT मॉडल में नहीं था, लेकिन बाद में इन्होंने अपडेट देके ये XT मॉडल में भी इन्होंने प्रोवाइड कराया है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है यहाँ पे, 12 वोल्ट पावर सॉकेट मिल जाता है, USB पोर्ट मिल जाता है, ऑक्स नहीं मिलता है। यहाँ पे थोड़ी जगह मिल जाती है जिसमें आप चाबी रख सकते हैं। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन का गेयर बॉक्स मिल जाता है, और यहाँ पे देखेंगे इधर तो लेफ़्ट साइड में आपको हैंड ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है, दो कप होल्डर मिल जाते हैं, बीच में भी थोड़ी जगह मिल जाती है। यहाँ पे आप 12 वोल्ट का सॉकेट लगवाना चाहें तो आप लगवा सकते हैं। दो ड्राइव मोड्स आते हैं, सिटी एंड इको। और बाकी बात करते हैं को बॉटल रखने के जगह मिल जाती है, अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है, हालांकि मैंने इसमें सैनिटाइज़र रख रखा है क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है, जैसा कि आप सब जानते हैं इस समय कोरोना का प्रकोप चल रहा है, इसलिए उसमें मैंने सैनिटाइज़र रख रखा है। बूट स्पेस मिल जाता है, टूल्ड ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, लाइट भी मिल जाती है इसमें, कूल्ड ग्लोव बॉक्स आता है, और दो कप होल्डर मिल जाते हैं इसमें भी, नीचे थोड़ी सी और जगह मिल जाती है यहाँ पे, बाकी हमारा डॉक्यूमेंटेशन रखा हुआ है। तो अब हम पीछे की साइड आ चुके हैं, जैसा कि देख सकते हैं लेग रूम बहुत है, ये सीट पूरी आगे हो चुकी है, तो उसमें देख लीजिए आप इतना लेग स्पेस हमको मिल जाता है। हेड रूम भी ठीक ठाक है, मेरी हाइट 5'8" के आसपास है, तो मुझे इतना हेड रूम मिल रहा है, बहुत अच्छा है। सीट टू जगह पूरी पीछे भी हो तो भी इतना लेग रूम मिल जाता है, जो कि डिसेंट है एक हैचबैक के हिसाब से। स्पीकर मिल जाते हैं जैसा कि बता चुके हैं, उधर स्पीकर मिल जाते हैं और पावर विंडोज़ मिल जाती हैं, ग्रैब हैंडल मिल जाता है यहाँ पे। इसकी एक कौन है कि इसमें कोई आपको बीच में लाइट नहीं मिलती है, बीच में आपको कोई लाइट नहीं मिलती है, केवल फ्रंट में मिलती है, जो कि इनको फ्रंट में न दे के बीच में ही देनी चाहिए, क्योंकि ताकि पीछे वालों को भी कोई दिक्कत ना हो देखने में रात में। जैसे बाकी फ्रंट का लुक देख सकते हैं पीछे से, प्रीमियम लुक आता है, प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्लास्टिक क्वालिटी ठीक है, डिसेंट कहूँगा मैं, और सेफ्टी फीचर्स तो हैं, ये आपको मालूम ही है कि 5-star सेफ्टी रेटिंग के साथ में ये आती है ग्लोबल एनकैप की, तो सेफ्टी के मामले में तो कोई गुंजाइश नहीं है, और आखिर टाटा सेफ्टी के लिए ही जाना जाता है। तो इसमें पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आते हैं, XZ और XZ ऑप्शनों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और ग्रैब हैंडल मिल जाता है, ये यहाँ पे मिल जाता है। छत की क्वालिटी भी ठीक है, लेकिन बस यहाँ पे एक लाइट होनी चाहिए थी जो कि इन्होंने नहीं दी है, वो केवल आगे दी है, और ये भी जलती रहती है जब तक हम गाड़ी को लॉक नहीं करते, या मतलब हम गाड़ी को स्टार्ट करके मतलब चलाना नहीं चालू कर देते हैं तब तक ये जलती रहती है। अब ये पता नहीं क्या सिस्टम है, लेकिन कोई बात नहीं। एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लू जल रही है नीचे, रात के व्यू के मैं वीडियो अलग से इस पर चैनल पर मैं डालूँगा। तो
सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट एंड जय हिंद।